हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। अगर आप इसी तरह से अपनी वोकैबुलरी बिल्डअप करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। तो आज हम एक और नया वर्ड सीखेंगे। हम देखेंगे कैसे इसके मीनिंग को इजीली हम याद कर सकते हैं। तो आज का हमारा वर्ड है शन। तो इसे सीखने के लिए पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर आपको किसी को भगाना होगा, जैसे कि मान लीजिए आपके गली में कुत्ता ही आ जाता है, तो आप उसको भगाने के लिए क्या करोगे? आप हुर का प्रयोग कर सकते हैं, या हट हट बोल सकते हैं, या इन्हीं में से एक पॉपुलर वर्ड है शू। तो किसी कुत्ते को भगाने के लिए आप शू का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से किसी को भी भगाना हो तो शू शू हट ऐसे कुछ बोल सकते। तो इसी तरह से अब हम इस वर्ड को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे। पहला हमारा वर्ड है, तो पहला हमारा पार्ट है शू, और इसी के ही हम एच यू को भी साथ में लेंगे। सेकंड पार्ट हमारा होगा, तो सेकंड वर्ड हमारा है हुन। हुन एक पंजाबी वर्ड है, इसका मतलब होता है अब। तो ये हमारे दो पार्ट्स हो गए हैं, शू मतलब भाग जा और हुन हुन मतलब अब। तो अब ये हो गया है अब भाग जा। तो हाँ जी, इसका मीनिंग है रिजेक्ट करना। शू हो जा अब मीन्स रिजेक्ट करना। तो चलो अब हम इसका एक सेंटेंस भी देख लेते हैं। शी शंस लेट नाइट पार्टीज, शी रिजेक्ट्स लेट नाइट पार्टीज। ओके दोस्तों, कितना आसान था इसे याद करना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो इसी तरह से अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो रोज एक एक वर्ड लर्न करना बहुत इजी हो जाएगा, और आप जल्द ही बहुत ज्यादा वोकेबलरी लर्न कर लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।